23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस यानी नेशनल सिनेमा डे के अवसर पर देश भर के तमाम सिनेमा घरों में लोगों के पास सिर्फ 75 रुपए में किसी भी फिल्म को देखने का मौका था। लोगों ने इस ऑफर का जमकर फायदा उठाया और सिनेमा घर हाउसफुल रहे और थिएटर्स में लगी फिल्मों का इसका खूब फायदा मिला। लगभग सारी फिल्मों ने अच्छी कमाई की, उनमें से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र भी थी। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने लगभग 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं अब इस बीच दर्शकों के पास फिर से बेहद कम कीमत पर ब्रह्मास्त्र देखने का मौका है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन पर अगर आप भी कम कीमत पर ब्रह्मास्त्र का आनंद उठाना चाहते थे लेकिन ये मौका आपके हाथ से छूट गया है, तो आपके लिए एक और खुशखबरी है। अब आप सिर्फ 100 रुपए में इस फिल्म को देख सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस बात को लेकर ऐलान किया है। आपके स्क्रीन पर अयान मुखर्जी के इंस्टाग्राम पोस्ट की स्क्रीनशॉट है। 26 सितंबर से 29 सितंबर के बीच आप ब्रह्मास्त्र को मैं 100 रुपए में देख सकते हैं। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है। रविवार के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अयान मुखर्जी ने इसकी जानकारी दी। उनकी पोस्ट के मुताबिक उन्होंने नवरात्रि बंपर ऑफर के रूप में दर्शकों को सिर्फ 100 रुपए में फिल्म देखने का यह मौका दिया है। तो अब आप ब्रह्मास्त्र देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप 100 रुपए में देख सकते हो 26 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक, यानी सोमवार से गुरुवार के बीच।